इंडस्ट्री में हो चाहे नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर एशिया और के सारे जो फिल्में हैं उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए। उस तरह अलीगढ़ की जो जर्नी शुरू हुई थी फरवरी में इस साल, और उसके बाद हमें नहीं लगा था कि ये इसकी जो जर्नी होगी इतनी लंबी होगी, और अभी भी चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं कई सारे देशों में इसको दिखाया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है। मुझे जो अवार्ड मिला है, मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में जब अवार्ड मिलता है तो पूरी फिल्म को मिलता है और ख़ास करके डायरेक्टर को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन था हंसल मेहता का। और मैं आई कैन टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हंसल फॉर गिविंग मी दिस रोल। आपके लिए कितना मायने रखता होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री में आप किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं मिल रहा। एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 78 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, 78 कंट्रीज़ के फिल्मों में से कुछ फिल्में चुनी जाती हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज चुनी जाती हैं। सारे डिपार्टमेंट में जो नॉमिनेशन होता है वो 78 कंट्रीज़ की फिल्मों को देख करके किया जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक। इसके अलावा जो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं जी, तो डू यू थिंक मतलब इस अवार्ड शो जैसे जो फिल्म सराहते हैं उस तरह के कोई अवार्ड शो होने चाहिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? नहीं, हिंदुस्तान में होनी चाहिए, इंडस्ट्री में हो चाहे नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर एशिया और के सारे जो फिल्में हैं उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए, उस तरह के नॉमिनेशन किया जाए। अवार्ड जो हैं और कुछ नहीं होता है, इनसे काम नहीं मिलता है आपको, लेकिन अवार्ड ये एक टाइम होता है रिकग्नाइज़ करने का। एक नॉमिनेशन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जो मेरे साथ में जितने भी नॉमिनेटेड थे वो इस कैटेगरी में सारे के सारे विनर थे, सारे के सारे ग्रेट एक्टर थे, चाहे कोई साउथ कोरिया का था, कोई इराक का, ईरान का था, कोई अमेरिका का था, तो नवाज था नॉमिनेशन में, तो ऑल ऑफ अस वर विनर्स। उसमें से एक उन्होंने चुना, वो ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको अपने किरदार को लेकर? नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर जो जितने बड़े बड़े दिग्गज आए थे जो उस ज्यूरी में, जो ज्यूरी में थे, उनका नाम सुन के ही मैं डर गया था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, जिस तरह के नाम उस ज्यूरी में शामिल थे। लेकिन सारी ज्यूरी ने ये कहा कि जो अलीगढ़ फिल्म है या जो परफॉर्मेंस है वो उसको देखते हुए यही लगा उनको कि सबसे डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस उनको लगी फिल्म में। इस तरह की फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, क्रिटिकली भी एक्लेम होती है, लेकिन कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा पत्रकार बंधुओं से ये कहता हूँ कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बंद कीजिए, और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर जाइए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग हैं, वो देखते हैं। मैं बॉक्स ऑफिस पे सोच करके कोई फिल्में करता नहीं हूँ, तो इसलिए बॉक्स ऑफिस पे चलती है कि नहीं चलती है, और तीन दिन में आप बिज़नेस को रैप अप कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ जैसी फिल्म आज तक अलग अलग यात्रा कर रही है, वो कोई फ्री में तो कर नहीं रही है। उसका जो पैसा आएगा या आ रहा होगा उसका हिसाब कोई रख रहा है? आप में से कोई रख रहा है? नहीं रख रहा है। तो इस तरह की फिल्में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इस तरह की फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच रहती हैं और अपना पैसा बनाती हैं, उसके ज़्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। खैर, वो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। एक्टर का काम है एक्टिंग करना, एडिटर का काम है एडिटिंग करना, कैमरामैन का काम है कैमरा करना, इसमें पैसा कहाँ से आता है? ऑन अ लाइटर नोट, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? नाम शबाना है, जिसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। रामू जी की फिल्म में कई सालों के बाद रामू ने मुझे डायरेक्ट किया, उसकी बहुत खुशी है। स्पेशल अपीयरेंस किया है मैंने सरकार 3 में, 2 अंग्रेजी फिल्में अमेरिकन प्रोडक्शन है उनको किया है। इसी तरह से थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ, आप लोगों की दया है। कौन सी फिल्म? अलीगढ़ की मूवी, आपकी मूवी अलीगढ़ है। अच्छा, तो लोग निर्जा और दंगल के लेवल की मान रहे हैं लोग, तो इस बात से अलीगढ़ इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म पीरियड।